हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.9 स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैच द फॉलोइंग पर नेम गिवन है एंड इनकी फिगर गिवन है और मैचिंग करना है कि किस शेप की कौन सी फिगर होगी इसमें मैचिंग करनी है कौन कौन इस टाइप से होता है फर्स्ट का सेकेंड आंसर होगा कौन इस टाइप से होता है कि यहाँ पर एक जो फेस होता है वो सर्कल फॉर्म में होता है इस टाइप से ये सर्कल फॉर्म में है और इस टाइप से आपने देखा होगा जोकर कैप वो भी आपका कौन टाइप का है इसको ए लिख देंगे स्पेयर जैसे बॉल है इस टाइप की शेप को हम स्पेयर कहते हैं इसकी मैचिंग होगी फोर्थ ये स्पेयर है यहाँ इसका आंसर लिखते ये बीक की मैचिंग है सिलेंडर सिलेंडर इस टाइप से होते हैं। जैसे गिलास है इस टाइप का ये सिलेंडर बन गया ये सिलेंडर हो गया इस टाइप की शेप है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट की इसको लिख देंगे सी डी क्यूवर्ड क्यूवर्ड जिसमें लेंथ ब्रिथ एंड हाइट होती है जैसे बुक हो गई आपका रूम हो गया जिसमें लेंथ ब्रिथ एंड हाइट है लेंथ ब्रिथ एंड हाइट है इस टाइप का ये क्यूवर्ड शेप होगी जैसे इसको लेंथ माने ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई जिसमें लेंथ हाइट होती है डी का थर्ड होगा यहाँ लिख देंगे डी ई पार्ट पिरामिड एक फेस हमने रेक्टेंगल फॉर्म में ले लिया और अगर हम इस टाइप से इनको हर फेस से इसको मिलाएं तो ये पिरामिड बन जाएगा एक पॉइंट पर ये इस टाइप से एक पिरामिड बन जाएगा जैसे यहाँ पर एक फेस इन्होंने ट्रेंगल में लिया हुआ है ये पिरामिड शेप है एक का मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इसको लिख देंगे ए ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने लिखा है गिव टू न्यू ऑफ ईच इन सेप के बारे में कुछ एग्जाम्पल देने हैं अब कौन के एग्जाम्पल देते हैं ये इस टाइप के कौन है जैसे क्रिसमस ट्री ले लें या बर्थडे कैप ले लें या आइसक्रीम कौन ले लें या प्लेइंग टॉप ले लें तो ये लट्टू है जिसे हिंदी में लट्टू बोलते हैं इस टाइप का तो आप कोई से भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें से ये सभी कौन के एग्जाम्पल हैं? नेक्स्ट है, है स्पेयर ये कौन के एग्जाम्पल थे ये नेक्स्ट है स्पेयर जैसे फुटबॉल है फुटबॉल भी स्पेयर में आती है सन है सन भी स्पेयर का एग्जाम्पल है क्रिकेट बॉल ऑरेंज अर्थ का जो ग्लोब होता है वो भी आपका वो स्पेयर का ही एग्जाम्पल है तो ये सभी एग्जाम्पल स्पेयर के हैं नेक्स्ट है सिलेंडर सिलेंडर इस टाइप के ये सर्कुलर पाइप है ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है ये गैस सिलेंडर है जो घर में यूज की जाती है ये भी सिलेंडर का एग्जाम्पल है वाटर बोटल है वाटर टैंक है ड्रिंक कैन है इस टाइप से ये सभी एग्जाम्पल सिलेंडर के हैं, इस टाइप की सेप में से आप टू सेप कोई सी भी लिख सकते हैं इसको लिखेंगे सिलेंडर ये सभी सिलेंडर की शेप है आप क्यूट ये डिफरेंट टाइप के की वर्ड है जैसे आपका ये गेम्स का है ये बुडन बॉक्स है ये मैथ्स बॉक्स है ये ये कॉपी है डायरी ये की एग्जाम्पल है इनके इनके अलावा आप ब्रिक भी लिख सकते हो ब्रिक भी ये आपका की वॉयड का ही एग्जाम्पल है नेक्स्ट है पिरामिड पिरामिड इस टाइप के है जैसे वाटरमेलन का ये पार्ट है वाटरमेलन को इस टाइप से कट करें तो वो पिरामिड टाइप का होगा तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस टाइप से ये हाउस है हाउस को इस टाइप से बना देंगे तो ये पिरामिड होगा ये टेंट लगाया हुआ है इस टाइप से ये केक में से पीस काटे हुए हैं तो ये भी पिरामिड के शेप में है तो आप इनमें से कोई से भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट शेप शेप इज इसमें से है किस टाइप की शेप होगी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपने देखा होगा बॉक्स और बॉक्स में लेंथ बिर्थ एंड हाइट होती है इस टाइप से ये बॉक्स है जिसमें ये लेंथ होगी ये ब्रथ हो गई और ये हाइट हो गई तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जो एग्जाम्पल होगा वो की हो एक तरह का की है बी पार्ट ए ब्रिक ब्रिक में लेंथ ब्रथ एंड हाइट होती है इसके फेस होते हैं इसमें सिक्स फेस होते हैं और ईच फेस जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है जैसे फर्स्ट फेस ये है सेकंड फेस ये है थर्ड इसके बाद का होगा फोर्थ ये तो ऊपर है फाइव इस साइड में होगा फोर्थ के जस्ट अपोजिट में सिक्स फेस होगा ब्रिक भी आपका क्यूव का एग्जाम्पल है ब्रिक की जो शेप होगी वो क्यूड होगी सी पार्ट मैच बॉक्स मैच बॉक्स की भी जो शेप होगी वो क्यूव होगी जैसे यहां मैच बॉक्स है मैच बॉक्स जो है वो क्यूब फॉर्म में है इस टाइप से और ब्रिक जो होती है वो इस टाइप से होती है वो भी क्यूवाइड फॉर्म में होती है ए बी सी इनकी सबकी जो शेप होगी वो क्यूड फॉर्म में होगी तो आंसर लिख देंगे इनका क्यूड अब डी पार्ट ए रोड रोलर रॉड रोलर इस टाइप से होता है रॉड रोलर है ये सिलेंडर शेप में होगा ये सिलेंडर शेप में होगा ए स्वीट लड्डू लड्डू जो है वो स्पेर शेप में होगा स्वीट लड्डू जो है स्पेयर शेप में होगा आंसर लिख देंगे स्पेयर यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे